हे सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 8 अगस्त 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप इस करंट अफेयर्स वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया, वे वर्ष 1977 में किस राज्य की सबसे कम आयु की कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि हरियाणा। अभी रिसेंटली भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया है। याद रखिएगा कि 1977 में ये हरियाणा में श्रम मंत्री बनी थी और उस वक्त इनकी आयु 25 वर्ष थी। तो ये 25 वर्ष की आयु में सबसे कम आयु की कैबिनेट मंत्री थी उस वक्त। तो इसे आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2014 में सुषमा स्वराज जी को भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी 2 बार विदेश मंत्री रह चुकी थी, लेकिन वो कार्यवाहक विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत थी। स्वतंत्र महिला विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज जी 2014 में भारत की विदेश मंत्री बनी थी। याद रखिएगा कि वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 6 अगस्त 1945। इसीलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और इस साल भी हिरोशिमा दिवस मनाया था हमने 6 अगस्त को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया था वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अमेरिका ने गिराया था ये हिरोशिमा पर, ठीक है। और ये पहली बार जो है किसी देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त जो हिरोशिमा जो शहर था वो वहाँ पर 80% जो आबादी थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। पूरा जो भी इलाके थे वो सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और 1,40,000 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। और आने वाले वर्षों में इवन आज तक जो है वहाँ पर परमाणु बम से जो खतरा हुआ था, जो रेडिएशन फैला था, उससे आज भी जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक उसके रेडिएशन के शिकार लोग देखने को मिल जाते हैं। इसी घटना के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर भी जो है परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने और इस बम का नाम था फैटमैन। तो नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, जबकि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था और इस युद्ध में लगभग 70 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में टोनी मॉरिसन का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि लेखिका। टोनी मॉरिसन प्रसिद्ध लेखिका थी, काफ़ी बहुत से प्रसिद्ध इनके उपन्यास थे। 1993 में इनको साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा कि ये साहित्य का नोबल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकीय अमेरिकी महिला हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, टोनी मॉरिसन का नाम यहाँ से याद रखिएगा, साहित्य का नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन 4000 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेस जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि फियोना कोलबिंगर अभी रिसेंटली 4000 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेस जीतने वाली पहली महिला बनी है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बल्गारिया में बरगास से फ्रांस में ब्रेस्ट तक 4000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इस सफ़र को तय करने में उन्हें 10 दिन 2 घंटा और 48 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये जर्मनी की कैंसर शोधकर्ता हैं, कैंसर के ऊपर ये शोध करती हैं फियोना कोलबिंगर, जिन्होंने अभी रिसेंटली 4000 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेस जीती है, ठीक है। यह इस रेस को जीतने वाली पहली महिला बनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपने 2400 मेगावाट के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि रूस के साथ। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने 2400 मेगावाट के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया है। ये जो समझौता हुआ है इसके तहत रूस बांग्लादेश को इस संयंत्र के लिए आजीवन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी स्थापना में जो है भारत ने भी योगदान दिया था, तो भारत और रूस इन दोनों देशों की मदद से जो है इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है बांग्लादेश के रूपपुर में। ठीक है, रूस की अगर बात करें तो रूस की राजधानी है मास्को, मुद्रा है यहाँ की रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2019 में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 0.35% की अभी रिसेंटली कटौती की गई है रेपो रेट में आरबीआई की तरफ से। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई ने कितने बेस पॉइंट की कटौती की है, तो जब बेस पॉइंट पूछा जाएगा तो दशमलव के बाद जो नंबर होगा यानी कि 3-5, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगस्त 2019 में आरबीआई ने कितने बेस पॉइंट की कटौती की है रेपो रेट में, तो आप क्या करेंगे 35 बेस पॉइंट की, ठीक है, और परसेंटेज में 0.35%। आरबीआई अब बैंकों को 5.40% पर कर्ज देगी। इससे पहले आरबीआई ने 3 बार फरवरी, अप्रैल और जून में जो समीक्षा की थी उसमें भी लगातार रेपो रेट घटाए थे, 0.25% तक की जो है यहाँ पर कटौती की गई थी रेपो रेट में। तो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं आरबीआई के, और जब से ये गवर्नर बने हैं तो 4 बार जो है ये लगातार चौथी कटौती है रेपो रेट में। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। रेपो रेट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अगस्त 2019 में भारत ने फलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र फलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 50 लाख डॉलर का। अभी रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से फलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र फलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी में 50 लाख डॉलर का योगदान दिया गया है। याद रखिएगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद में फरवरी 2018 में 12,50,000 डॉलर से बढ़ाकर 50 लाख डॉलर करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये जो 50 लाख डॉलर किए गए थे यही दिए गए हैं जो फलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनकी मदद के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 8 अगस्त से शुरू हुए ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार मैंने आपको ये करवाया है, उसके बाद मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि इसका आयोजन किया कहाँ जा रहा है। थीम आपसे पूछी नहीं थी लेकिन बताई थी कि थीम क्या है, तो बताइए इसकी थीम क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए वाला, यानी कि डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सेलेंस। कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। 8 अगस्त से ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है और उसकी थीम रखी गई है डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सेलेंस, यानी कि डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन 8 और 9 अगस्त को मेघालय के शिलोंग में किया जाएगा, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूर्वोत्तर के किसी राज्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हो इस बार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन किया कहां जा रहा है, और थीम काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। याद रखिएगा कि इस बार ये इस दिवस का 5वां संस्करण था, 2015 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और इस उद्योग से संबंधित जो बुनकर हैं उनको सम्मानित करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार जो है इसका 5वां संस्करण था ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अगस्त 2019 में जारी हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि भारत। अभी रिसेंटली आईसीसी की तरफ से अगस्त 2019 में जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है टेस्ट रैंकिंग की, उसमें भारतीय टीम को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, यानी कह सकते हैं आपकी भारत की जो टीम है वो टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आईसीसी टेस्ट
टेस्ट रैंकिंग में यहाँ पर भारत के चेतेश्वर पुजारा को इन्होंने पीछे करके तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की, तो इन पे जो है काफ़ी टाइम प्रतिबंध लगा और बहुत टाइम तक जो है ये लगभग एक साल से भी ज़्यादा टाइम तक जो है ये किसी भी टेस्ट क्रिकेट में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही ये टेस्ट क्रिकेट में आए इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के चेतेश्वर पुजारा को पीछे करके ये तीसरे स्थान पर पहुँच गए। चेतेश्वर पुजारा इस बार चौथे स्थान पर हैं जो अगस्त 2019 में जो रैंकिंग जारी हुई है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स को रखा गया है। ठीक है, तो भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग टेस्ट टीम है आईसीसी की। इसी तरीके से विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी हैं टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी के अनुसार अगस्त 2019 तक किस देश में मलेरिया की वजह से 1800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि बुरुंडी। अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसने ये कहा है कि अगस्त 2019 तक बुरुंडी में मलेरिया की वजह से 1800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये जो एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी, इसका ये कहना है कि बुरुंडी में अब तक 5.7 मिलियन लोग मलेरिया के शिकार हो चुके हैं, जो कि यहाँ की आधी आबादी के जो है बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ यानी कि कह सकते हैं बुरुंडी की जो आधी आबादी है वो मलेरिया की शिकार है और 1800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अगस्त 2019 तक। बुरुंडी की अगर बात करें तो राजधानी है बुरुंडी की गिटेगा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक, तो ये भी हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए सस्ता और हल्का उपकरण विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। अभी रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा कोशिका कल्चर एवं सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परीक्षण के बगैर बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए सस्ता और एक हल्का उपकरण विकसित किया है। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया संक्रमण दुनिया भर में बीमारी एवं मौत की एक आम वजह है और बहुत से एंटीबायोटिक दवाओं का हम विकास कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बैक्टीरिया का संक्रमण का पता शुरुआती दौर में लगाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो जो ये नई तकनीकी है, जो ये नया उपकरण है, इसके जरिए बिना किसी जो है टेस्ट के जो है आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन से बैक्टीरिया से जो है आप पीड़ित हैं, किस बैक्टीरिया से आपको खतरा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इस तरीके का उपकरण विकसित किया गया है जिसके द्वारा बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिक परीक्षण के आसानी से बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है ह्यूमन बॉडी या फिर किसी अन्य चीज़ में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की, इनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि 27 जुलाई को 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ई वाला, यानी कि राजगीर, जो कि बिहार में स्थित है, यहीं पर 27 जुलाई को 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए था कि अगस्त माह में किस राज्य में सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल में सेव ग्रीन और स्टे क्लीन नामक अभियान चलाया गया है अगस्त माह में। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि अगस्त 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तीन देशों की यात्रा पर गए थे, तीन अफ्रीकीय देशों की यात्रा पर, तो वहीं पर एक अफ्रीकीय देश ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया था अपना, तो कौन से देश ने दिया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि अगस्त 2019 में कहाँ पर 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल है इसको किस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।